हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव कुमार मिश्रा आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन वेलकम डियर स्टूडेंट टू दिस सेवन लेक्चर मॉड्यूल ऑन लाइट ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्या-क्या कवर करने वाले हैं बच्चों ये देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजज ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब इतने टॉपिक को कवर किया जाएगा तो बच्चों वन वन स्टार्ट करते हैं नो फर्स्ट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन, समझते हैं बच्चों क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम होमोजीनियस मीडियम इट ट्रेवल्स हेलॉगे स्टेट लाइन पाथ है नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया एक सेंटेंस लिखा हुआ है लाइट नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया इसका मतलब बच्चों अगर मीडियम में चेंज कर दूं तो लाइट की ट्रेवलिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मीडियम ओके

तो अपने डायरेक्शन डायरेक्शन उसकी क्या हो जा रही है बच्चों चेंज चेंज हो रही, हो रहा है है रही क्यों चेंज हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं मतलब ऐसे बच्चों समझ सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट लाइट क्या हो जा रही है बेंड हो जा रही है रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन व्हेन क्रॉसेज द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट मीडिया यहाँ पे लिखे देखो बच्चों क्रॉसेज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी डिफरेंट होती है ओके okay? तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म यूज किया जाएगा बार बार ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंड देर इज आन चेंज इन बोथ बेबलेंथ एंड द स्पीड ऑफ लाइट बच्चों वेब और लाइट की स्पीड में चेंज हो जाएगा जैसे मान लो कि लाइट इंटर करी वन मीडियम में जैसे देखो बच्चों जैसे मैं समझाता हूँ आपको ये इसका नॉर्मल है ये मान लेते हैं सरफिस है बाउंड्री बिटवीन दिस टू मीडिया दिस इज द बाउंड्री बिटवीन दिस टू है ना अब यहाँ से बच्चों लाइट इंसिडेंट हुई फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है ये लाइट इंसिडेंट रे है इस सरफेस पे अब क्या हो रही है बच्चों बेंड हो जा रही है लाइट है ना लाइट क्या हो जा रही है बेंड हो जा रही है ओके लाइट क्या हो जा रही है बेंड हो जा रही है बच्चों अपने पाथ से बच्चों देखो इस लाइट की रे को एकदम सीधा जाना चाहिए था इन स्ट्रेट पाथ जिस डायरेक्शन में आ रही थी बट ऐसा नहीं हुआ लाइट बेंड हो गई है ना फ्रॉम नॉर्मल या अब ये फ्रॉम नॉर्मल लाइट बेंड हो जाया करेगी डिपेंडिंग अपॉन किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में इंटर कर रही है बच्चों है ना? अभी मैं करूंगा कैसे होगी है ना उस पर बात करेंगे okay. रिफ्रैक्शन होता है क्यों है, है ना? काजेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है दिन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ देखो बच्चों बार बार अभी मैं समझा रहा था आपको क्या बेंडिंग ऑफ लाइट इतनी सारी चीजें मैंने आपके लिए रख लिख रखी हैं बच्चों तो इसको नोट कर लीजिएगा है ना वन बाई वन ठीक है प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा ठीक है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज नोन एस अपने पाथ से अगर बेंड हो जाए डेबेट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन है, है ना द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट सो वी कैन से दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया है ना बच्चों तो देखो ऐसे भी समझ सकते हैं अगर दो मीडियम है एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में बच्चों मान लो इंटर करेगी ये फर्स्ट मीडियम मान लो बच्चों ये सेकंड मीडियम है अगर कोई लाइट इस मीडियम से आई और इस मीडियम में गई बच्चों है ना इस मीडियम में आई और इस मीडियम में बेंड हो गई ठीक है बेंड हो गई लाइट इसका मतलब है अगर मान लो इसकी स्पीड बच्चों वी वन है इस मीडियम में और इस मीडियम में बेटा मान लो स्पीड v2 टू है अगर इसकी स्पीड बेटा मीडियम वन में ज़्यादा है और मीडियम टू में जाने के बाद स्पीड कम हो जा रही है इसका मतलब ये है कि मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज़्यादा है ये ये डेंस मीडियम है है ना इस इसके रिस्पेक्ट में मतलब जो डेंस मीडियम होगा बच्चों उसमें लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और जो रेयर मीडियम होगा डेंस कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम तो क्या हो जाएगा स्लो स्पीड होगा अभी आइए और बात करेंगे बच्चों ठीक है ए मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल ए मीडियम इज ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रो विच लाइट इज ट्रांसमिटेड ओके मीडियम क्या है जिसमें लाइट ट्रांसपोर्ट कर, कर रही ट्रांसमिट कर रही है बच्चों एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज ए प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी है ना द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ये किससे रिलेटेड है बेटा स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट लिख रखा हूँ तो ध्यान से देखिए आप लोग बेटा एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि रिफ्रैक्शन क्या है कैसे होता है बेटा कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए आप लोग देखते चलिए ठीक है एक बार थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों क्योंकि आगे सबसे ज़्यादा यूजफुल यूज़ है इसका रिफ्रैक्शन का जितनी फिनमिना है रिफ्रैक्शन से वो सब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ लो क्या यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ लो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है किसी मीडियम की तो उससे हम क्या बता सकते हैं देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज हाई मैंने वही समझा रहा था बच्चे अभी क्या कि अगर डेंसिटी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ज्यादा है है ना नेक्स्ट सच ए मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम बच्चों ओके नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाई है ना देन द स्पीड ऑफ लाइट इज दैट मीडियम इन दैट मीडियम इज लो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है मतलब बेटा डेंस मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी लो हो जाएगी सच ए मीडियम इज एज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम सच ए मीडियम इज नोन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ओके ऑप्टिकली रेरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम सिंपली कार्डा इज रेर मीडियम एंड डेंसर मीडियम जनरली बट दिस इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना ये सही वर्ड है आगे बढ़ते डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कंसनट्रेट हियर, ओनली व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम रेयर मीडियम से बेटा ऐसे में लिखूंगा अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या होगा डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या होगा ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ये डेंसर मीडियम इट बेंड्स बेंडिंग तो होता तो ही है ना रिफ्रेक्शन का मतलब ही बेंडिंग है और किधर बेंडिंग होगा ये समझेंगे टूवर्ड द नॉर्मल बेटा अगर रेयर मीडियम से ठीक है डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे तो किधर बेंड होगा नॉर्मल की तरफ है ना नॉर्मल ऐसे लिख लो बच्चों टूवर्ड टूवर्ड नॉर्मल है ना रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम टूवर्ड नॉर्मल यहां पे देखिए बेटा इंसिडेंट रे दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया ओके यहां से इंसिडेंट रे नॉर्मल से लेते हैं एंगल है ना एंगल इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्रैक्ट हो गई बच्चों तो ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रे रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या लिख रहा हूँ टूवर्ड्स नॉर्मल तो नॉर्मल ये है तो ये इधर आ जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी ओके फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट आती है तो उसमें क्या होता है बेंडिंग कैसे होती है बेंडिंग होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल नेक्स्ट पॉइंट बच्चों सेकंड है ए रे ऑफ लाइट कैसे चल रही है अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ये रेरर मीडियम डेंसर मीडियम टू ए रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल से अब दूर भागेगी बच्चों मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ डेंसर मीडियम यहाँ पे क्या था रेरर मीडियम यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम डेंसर मीडियम से बच्चों अगर रेरर मीडियम में आ रही है इसका मतलब है इसकी जो बेंडिंग होगी कैसी बेंडिंग होगी बेंड अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओके तो आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट रे ठीक है ये डेंस मीडियम ये रेरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज डेंस मीडियम ओके केयर दिस इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है डेंस है तो लाइट की प्रॉपर्टी ये फॉलो होगी ये डेंस यहां पे इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट हो गई ये नॉर्मल से दूर जा रही है अबे फ्रॉम द नॉर्मल अबे फ्रॉम द नॉर्मल धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके दूर जाती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट रे ओके नेक्स्ट थर्ड केस देख लेते हैं ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एलोंग द नॉर्मल ये देख पा रहे होंगे बच्चों ट्रेवलिंग ये तो नॉर्मल ये? ये ऐसे चल रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये पास हो रही है देख पा रहे होंगे आप लोग ये अनडिविटेड है ना कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ सीधा सीधा पास कर रही है लेकिन ये नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए है, है ना नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना बच्चों इसको देख लेते हैं दो ला होते हैं जैसे आपने रिफ्लेक्शन का पढ़ा था रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा इंसिडेंट रे होता है इंसिडेंट रे ठीक है रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन बच्चों एक ही प्लेन में होते हैं ठीक है सेकंड बात ये है कि जो साइन आई होता है साइन आई साइन आई अपान साइन आर साइन आई अपान साइन आर आई का मतलब बेटा इंसिडेंस एंगल ओके okay? इंसिडेंस एंगल इंसिडेंस एंगल साइन कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट refractive index है ना यही तो refractive index आगे चल के बनेगा कॉल्ड refractive index ऑफ डिनोटेड बाय किससे बच्चों इसको किससे डिनोट करते हैं refractive index को ऐसे डिनोट कर दो म्यू ले लो ठीक है इस ला को क्या बोलते हैं स्नेलस ला है ना तो कभी पूछा जाए एग्जाम में नाम लेकर के तो आप ध्यान रखेंगे स्नेलस ला आपका यही है ठीक है <coughs> फिर आप यहाँ पे देख लीजिए ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विध रिस्पेक्ट टू वन ये क्या लिखा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इसको ऐसे लिखेंगे नीचे मैंने लिखा है ईयर दिस रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू ये वाला टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये इसके रिस्पेक्ट में है ये वाला फर्स्ट रिस्पेक्ट है ना मतलब ऐसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ओके ठीक है बच्चों यहाँ पे और क्या लिखा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेलिड बोट टाइप ऑफ सरफेसेस है ना फॉर प्लेन एज वेल एज स्पेरिकल प्लेन सरफेस हो स्फेरिकल सरफेस हो सभी के लिए वैलिड रहेगा ओके नेक्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास बच्चों, देखो आपको मैं कुछ दिखाता हूं ये उसको दिखाने से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको डेंसर टू रेयर में क्या होता है बच्चों बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल डेंसर टू रेयर में बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना तो यहां पे आगे बढ़ जाइए आप डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर इसका मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड तो होगा ही अवे फ्रॉम नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर रेयर मीडियम है टू डेंसर मीडियम तो इसका मतलब क्या है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल टूअर्ड द नॉर्मल बस यही इतना आप याद रखिए बाकी सब याद हो जाएगा ओके आप देख सकते हैं ग्लास मैंने एक लिया हुआ एक ग्लास है इसकी थिकनेस कितनी है टी थिकनेस कितनी है टी ये सरफेस पी क्यू है ना और ये sr ओके यहाँ पे इंसिडेंट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है ना pq सरफेस पे बेटा उसके बाद रिफ्रैक्ट करी एटम एंगल r एंगल के r क्या है रिफ्रैक्टिंग एंगल ठीक है फिर से क्या हुआ ये रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग रे जो रिफ्रैक्ट हुई ये आगे के बच्चों फिर इस सरफेस पे क्या हुआ रिफ्रैक्ट हुआ है ना तो फिर से ये इमर्जेंट रे ये जो रे बाहर निकल ये क्या है इमर्ज हो गई ठीक है ये फिर से रिफ्रैक्ट हो गई तो यहाँ समझते हैं क्या लिखा हुआ है ये मान लेते हैं एयर मीडियम है और ये ग्लास अगर है बच्चों ये भी एयर हो गया इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में एयर क्या है रेरर मीडियम है तो लाइट की ट्रेवलिंग कहाँ से कहाँ तक हुई रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम है ना तो बच्चों अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो किधर बेंड होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है तो देखो बच्चे नॉर्मल की तरफ इसकी बेंडिंग होगी नॉर्मल की तरफ इसकी बेंडिंग होगी है ना नॉर्मल की तरफ ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ ये बेंड हो जाएगी बच्चों देखो एक डॉट ये डॉट लाइन दिखाया गया है डॉट लाइन मतलब इस लाइट को ऐसे ही जाना था अगर कोई ग्लास नहीं होता तो है ना लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ कब तक करी जब तक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना अब यहाँ पे बेंडिंग हो गई ग्लास आ गया तो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेटा ये बेंड हो जाएगी है ना जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो ये देखिए ये बेंड हो गई इधर ये रिफ्रैक्टर आपको दिखाया जा रहा है है ना ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई मतलब अपने पाथ से बेटा डेविएट हो गई इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे पहुँची फिर से रिफ्रैक्शन हुआ अब यहाँ पे केस क्या होगा अब ये डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना ग्लास डेंसर मीडियम तो बच्चे यहाँ से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रे का आना है कहाँ से बच्चों डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इसका मतलब रे कहाँ पे बेंड होगी कैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये नॉर्मल है आपका है ना एन वन और एन टू ये नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चों नॉर्मल से दूर जाएगी ये इस एंगल को इस एंगल को क्या कह रहे हैं इमरजेंट बाहर निकल रही है बच्चों तो इसको क्या बोल रहे हैं इमरजेंट ई इस एंगल को नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं बच्चों ना इमरजेंट एंगल ई ठीक है और ये जो इमरजेंट रे है बेटा और ये जिस ये वाला सबसे पहले है ना ये इंसिडेंट लाइट की रे है डोटेड लाइन मैंने ये तो दिखाया डोट लाइन मतलब इधर से ही आना चाहिए था इस पाथ पे लेकिन मैं बोलूँ कितना मतलब डेबियट हुई रे तो ये वाली डिस्टेंस है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओके इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट के बीच की जो गैप आ गया बेटा है ना इतना ये लोग डिस्प्लेसड हो गए क्यों ऐसा डिस्प्लेसमेंट आया ड्यू टू द ग्लास है ना अगर इनके पाथ में ग्लास ना आता ग्लास सलब नहीं आता तो इतना डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है ना तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों डी ठीक है तो आपको कहानी दिखाते हैं इसकी ये देखो कहानी लिखी हुई है कुछ आप इसे रीड कर सकते हैं क्या लिखा है कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब लेना है एज सोन इन द फिगर जो मैंने आपको फिगर दिखाया है बच्चों ए रे ए इंसिडेंट ऑन द फेस पी क्यू एट आन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे इंसिडेंट होता है उसके बाद ऑन इंटरिंग द ग्लास इट बेंड्स टूअर्ड नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है ओके एंड ट्रैवल अलोंग ईएफ एट एन एंगल ऑफ रिफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बेटा ऐसे देखो यहाँ पे ये इसके along ईएफ के along चल दिया एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके यहाँ पे आ जाओ द रिफ्रैक्टेड रे ईएफ इज इंसिडेंट ऑन फेस एसआर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डश है ना फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ द इमरजेंट एफडी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल कितना आर ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल ई e बेटा है ना रिफ्रैक्शन एंगल ओके, e, नेक्स्ट okay. ये देख लीजिए आप दस इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे जो इमरजेंट रे है ना इंसीडेंट रे की पैरल हो गई बट हैज बीन लेटरली डिस विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे थोड़ा था डिस्प्लेस्ड हो गई दिस इज द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन इमर्जिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग मीडियम विथ पैरल फेसेस है ना तो आप समझ गई जो शिफ्ट आया ये ग्लास लगाया इसीलिए तो शिफ्ट हुआ ओके ये शिफ्ट नेक्स्ट ठीक है बच्चों हाँ एक चीज़ और देख लीजिए ये प्लेन मिरर रखा हुआ है यहाँ पे ना प्लेन मिरर लगा हुआ है तो अभी हम लोग समझे थे अगर किसी प्लेन मिरर में नॉर्मली इंसिडेंट नॉर्मल इंसीडेंट्स होता है बच्चों जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है मेरा और यहाँ पे मैं किसी रे को नॉर्मल इंसिडेंस करता हूँ तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है बेटा ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से ही मेजर करते हैं तो एंगल कितना होगा एंगल आई इक्वल टू जीरो इंसीडेंस एंगल जीरो Osionfish. तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी जीरो मतलब उसी बात पे वापस है ना कोई रिफ्रैक्शन right. रिफ्रैक्शन नहीं है तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है बेटा इमरजेंट यहाँ पे लगा दिया गया एक प्लेन मिरर इसके सामने तो आप समझ सकते हैं क्या होगा तो वही चीज लिखा गया है इफ ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इमरजेंट रे एफ डी द पाथ ऑफ द इमरजेंट रे एलॉन्ग एफ डी इज रिवर्स बैक समझिए बच्चों क्या हो जाएगा रिवर्स बैक इट फॉलोज द सेम पाथ लैंग्विज वॉज इंसिडेंट जिस पाथ से जिस जिस पे इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी ना बच्चों अपने रिफ्लेक्शन में भी बहुत अच्छे थे इस चीज़ को पढ़ा है मैंने डिस्कस किया था है ना द इंसिडेंट रे बिकम्स द इमरजेंट रे एंड इमरजेंट रे बिकम इंसिडेंट रे कितनी अच्छी बात है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ठीक है प्रिंसिपल समझ लीजिए आगे बढ़ते हैं कुछ नोट के बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है ये बच्चों इम्पोर्टेंट है आप लोग अच्छे से समझिएगा ग्लास एलव है ना बस इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं और बाकी आप लोग बिना देखे बना लोगे इस डायग्राम को ठीक है ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जब रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो क्या इम्पैक्ट होता है लाइट की बेंडिंग किधर होती है नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर ओके okay? नेक्स्ट इन नोट कुछ ध्यान रखेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे रिमेन अनचेंज है ना जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रिफ्रैक्टेड रे की ये रिमेन अनचेंज रहेगी ठीक है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी बच्चों फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज क्या चेंज होगा बेबलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट बेबलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट लाइट की स्पीड चेंज होगी ना और बेबलेंथ भी चेंज होगी ठीक है फिर क्या लिखा है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द रिफ्रैक्टेड रे ओके क्यों ऐसा होता है इट इज बिकॉज देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ऑफ़ लाइट एट द इंटरफेस कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है कुछ ऑब्जॉर्बन भी होते हैं है ना तो इंटेंसिटी कम हो जाती है बच्चों तो ये चीज ध्यान रखो मेन पॉइंट है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती चेंज क्या होते हैं वेवलेंथ और लाइट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती और ये दोनों चेंज होते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ओके डज नॉट चेंज तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर को बाइंड अप करते हैं ओके थैंक यू